सही है। तो ये हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। उसके बाद जो है अब हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास कुछ केसेस हैं, कुछ ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर जो है ना हम वेव जनरेट करते हैं और हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो है क्या, हमें उसको सॉल्व किस तरह से करना है। सही है। जैसे कि हमारे पास एक सिनेरियो कुछ इस तरह से होता है कि भाई हमारे पास एक ट्यूब होती है, सही है, जो कि क्लोज होती है दोनों एंड से। सही है, मतलब आप कह दो कोई ग्लास ट्यूब है, सही है, वो दोनों एक एंड से क्लोज है और एक एंड से ओपन है। सही। तो अब आप जब इसमें वेव जनरेट करोगे, सही है, सो आप अगर मिनिमम मिनिमम पॉसिबल स्टेशनरी वेव की बात करो, स्टेशनरी वेव की, तो मिनिमम पॉसिबल स्टेशनरी वेव इस तरह से बन सकती है। अच्छा, यहाँ पे आपने सोर्स लगाई हुई है, साउंड साउंड सोर्स लगाई हुई है, आप उस तरह से कह लो, या हम फिलहाल इसी चीज को लेके समझते हैं। सही है कि हमने यहाँ पे साउंड सोर्स को ही लगाई हुई। सही है। तो मिनिमम पॉसिबल स्टेशनरी वेव किस तरह से बनेगी, के इस तरह से बनेगी। सही है कि ये हमारे पास एंड पॉइंट पे नोड होगा, सही, क्योंकि क्लोज एंड है, और ओपन एंड पे जो है वो एंटी नोड होगा। सही है। और अगर आप इसकी लेंथ ले लो एल, सही है, जी तो इस हाँ, लेंथ के अंदर आपको कितनी वेव दिख रही है, क्वार्टर ऑफ द वेव दिख रही है। सही, क्योंकि अगर आप पाई ओवर टू होगा ना, पाई ओवर या फोर, पाई, पाई ओवर फोर, अच्छा, पाई क्यों आ रहा है भाई, लैम्डा ओवर फोर। सही, क्योंकि ओ सॉरी देखो, सॉरी सॉरी रियली सॉरी, हाँ लैम्ब्डा ओवर 4 होगा। क्योंकि ये अगर आपके पास एक वेव है तो सिर्फ एक ये वाला पॉइंट बन रहा है वेव का, यहाँ पे ये रहा, और ये मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है। सही, ये रहा क्वार्टर ऑफ द वेव बन रही है। सही। सो आपने बोला कि भाई इस लेंथ के अंदर मेरे पास लैम्डा ओवर फोर की वेव लेंथ आ रही है। सही है। और अगर मैं, या मैं यहाँ पे 1 भी लिख देता हूँ, सही, आसानी के लिए। और अगर मैं इसी को फ्रीक्वेंसी की टर्म में देखूँ, तो फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एफ को मुझे ये 4L/1, सही है, इज इक्वल्स टू लैम्डा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। स्पीड लिख दें इसमें, स्पीड ओवर फ्रीक्वेंसी। सही हो गया। सो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ, सो एफ इज इक्वल टू 1V/4L। सही। सो दिस इज द पॉसिबल, दिस इज द लीस्ट पॉसिबल सिनेरियो वेयर वी कैन प्रोड्यूस और जनरेट लीस्ट पॉसिबल स्टेशनरी वेव। सही है। इससे छोटी स्टेशनरी वेव नहीं बन सकती, इसमें वो स्टेशनरी वेव नहीं बनेगी। सही है। अच्छा, अब आप अगर ये कहो कि भाई आपका क्या मतलब है कि स्टेशनरी वेव नहीं बनेगी, हमें तो नहीं दिख रहा कि स्टेशनरी वेव बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि वो तो एनर्जी, एनर्जी तो दिखती नहीं है। सही है। सो बेसिकली इसका मतलब, इसी आसान से एग्जाम्पल ये कि बचपन में जो है ना, आप हम छोटे होते थे, एक हरकत हम करते थे कि जो पेन के जो ढक्कन होते थे, हम उस पर हवा फूंक मारते थे तो उससे सीडी बजती जी थी। बिल्कुल कभी ऐसा किया? सही है। सो बेसिकली ये वही वाला सिनेरियो है। सही है। अब देखो, आप अगर जोर से फूंक मारो तो सीडी नहीं बजती थी, और अगर आप बहुत हल्के फूंक मारो तब भी सीडी नहीं बजती थी। एक पर्टिकुलर अमाउंट में जब आप ब्लो करते थे तो सीडी बजती थी, राइट? बिल्कुल सही है। तो उसकी वजह क्या है कि अगर आप ज्यादा एनर्जी दोगे तो भी सीटी नहीं बजेगी। सीटी का बजना ये स्टेशनरी वेव है। सही है। तो अगर आप ज्यादा अमाउंट में एनर्जी दोगे तो भी सीटी नहीं बज रही, क्योंकि तब भी स्टेशनरी वेव नहीं बन रही जो कि रिक्वायर्ड है। और रिक्वायर्ड स्टेशनरी वेव क्या है कि क्लोज एंड पे नोड होना चाहिए, ओपन एंड पे एंटी नोड होना चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट। सही है। तो अब अगर आपने उससे कम दे दिया है या उससे ज्यादा दे दिया, तो आपको लाउड साउंड या नो साउंड कुछ भी नहीं सुनाई देगा। सही है। मतलब आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सही है। अच्छा, तो खैर, दिस इज द लीस्ट पॉसिबल सिनेरियो। सही है। जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक। सही है। फंड फंडामेंटल समझ आ गया। हार्मोनिक। सही है। अच्छा, सेकंड सिनेरियो किस तरह से, मतलब ये लीस्ट पॉसिबल सिनेरियो था, अब इसके बाद वाला पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकते हैं? मैं इसी चीज को जो है कॉपी पेस्ट करके आगे बना लेता हूँ, 1 मिनट। सही है। इसके बाद वाला सिनेरियो आपके पास हो सकता है कि यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट। सही है। अच्छा, अब इसके बाद वाला सिनेरियो कुछ यूं है कि भाई आपको यहाँ पे नोड चाहिए क्लोज एंड पे, और ओपन एंड पे आपको एंटी नोड चाहिए। लेंथ मेरे पास सेम ही रखी हुई है। सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने साउंड की जो है ना कुछ फ्रीक्वेंसी में छेड़छाड़ की, और मुझे जो है ना एक हायर फ्रीक्वेंसी का वो चाहिए, हार्मोनिक चाहिए। सही है। इस चीज को जो है ना, ये जो साउंड जनरेट होता है ना, जहाँ पे लाउड साउंड आपको सुनाई दे रहा है, उसको जो है ना आप हार्मोनिक कह रहे हो। सही है।
तो अब अगर मुझे सेकंड हार्मोनिक चाहिए, तो फर्स्ट हार्मोनिक मेरा क्वार्टर ऑफ द वे पे बनेगा, सेकंड हार्मोनिक मेरा किस तरह से बनेगा, मेरे पास इस तरीके से बन जाएगा। सही, थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं। सही, इस तरह से मेरा बन जाएगा। सही, फर्स्ट हार्मोनिक मेरा यहाँ पे बना था, जो कि मैंने ये वाली पिक्चर में शो किया, भाई ये वाली चीज यहाँ पे शो हुई है। सही, सेकंड हार्मोनिक मेरा इस तरह से बना है, और ये आपको कितनी वेव दिख रही है, आधी वेव पूरी और फिर क्वार्टर वेव है, यानी थ्री क्वार्टर वेव है। सही, सो अब इस केस के अंदर जी एल बिल्कुल, कितनी आ रही, 3/4 लैम्डा। थ्री ओवर 4 लैम्बडा होगा। सही बिल्कुल है, और अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखो, सो फ्रीक्वेंसी की टर्म में बन जाएगा 3/4 V/L। सही हो गया। सही, मैंने सिर्फ जो है वो आगे पीछे इसको कर दिए। सही है, और रीअरेंज करके आप करके देखोगे तो आपके पास सही आ जाएगा। सही, सो ये मेरे पास सेकंड पॉसिबल सिनेरियो था, कि जिसमें मेरे पास स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव जनरेट होगी, यानी अगर मैंने माइक लगाया हुआ है या स्पीकर लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से जब यहाँ पे जो है ना मुझे लाउड साउंड सुनाई देगा, दो दफा लाउड साउंड सुनाई देगा। सही है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है तीसरा सिनेरियो, तीन सिनेरियो मैं बनाता हूँ, उसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर उसी पैटर्न से एक जनरल फॉर्म बना लेंगे। सही है, सो अगर आप तीसरा जी सिनेरियो देखो, तो तीसरे सिनेरियो के अंदर अब क्या होगा, कि अब हमारे पास जो वेव बननी चाहिए वो वेव हमारे पास लेंथ सेम है, और यहाँ पे ओपन एंड और क्लोज एंड पे जो वही नोड और एंटी नोड बनेंगे। सही है, सो अब अगर हम देखें तो सही है, सो अब हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है। सही, यहाँ पे दिस इज द नोड। सही है, दिस इज द एंटी नोड। सही है, दिस इज अगेन अ नोड। सही है, दिस इज द एंटी नोड, दिस इज द नोड। ये मैं इसको जो है ना एक काम करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। जी, सो यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है। सही, यहाँ पे नोड बन रहा है और यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, और यहाँ पे नोड बन रहा है और यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है। सही, कभी कभार वो सिर्फ सीरीज ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स बना के दे देता है, वो ये नहीं लगता कि भाई क्या चीज, वो वेव नहीं बना के दे रहा। सही है, तो आपको इस तरह से अजम्पशन भाई आप आराम से कर लोगे। सही है, और अगर इस सिनेरियो की बात करो, तो इस सिनेरियो में यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है, यहाँ पे नोड बन रहा है और यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है। सही। अच्छा, तो अगर मैं एल की बात करूँ, तो अब मेरे पास एक वेव आपको पूरी दिख रही है। सही है, एक वेव पूरी दिख रही है, और आपको क्वार्टर ऑफ द वेव और दिख रही है। सही है, सो एल के अंदर अभी आपके पास 5/4 लैम्डा आया। सही, और यहाँ पे जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए काम करोगे, सो फ्रीक्वेंसी आपके पास बन जाएगी 5/5 V/4L। सही, तो अब अगर आप तीनों सिनेरियो देखो, फ्रीक्वेंसी की टर्म वाला भी और वेवलेंथ की टर्म वाला भी, सही, तो आपको तीनों सिनेरियो में क्या चीज दिख रही है, कि 1, 3, 5, अगला हार्मोनिक बनेगा 7, अगला बनेगा 9, अगला बनेगा 11। सही, इस तरह से। तो अगर हम एक जनरल इक्वेशन बनाएं, सो एक हमारे पास जो जनरल इक्वेशन बन रही होगी वो हमारे पास बन रही होगी। सही, जनरल इक्वेशन। सही, हमने बोला एल इज इक्वल्स टू n λ/4। सही है, हमने बिल्कुल ऊपर वाली चीज को देखा, पहले में n 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था। सही, सो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे n जो है वो ऑड नंबर है। सही है, सिमिलरली अगर हम ये वाली फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन देखें, सो फ्रीक्वेंसी की हमारे पास इक्वेशन आ रही है n V/4L। सही, यहाँ पे हमारे पास n हमारे पास वो है। सही है, सो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई है। सही, सो वो आपसे बोल सकते हैं कि भाई इसको अप्लाई करके आप देखो कि आपके पास ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कोई भी एक हाँ हार्मोनिक एन में वो लैम आपसे। हाँ, कहाँ क्या किसके लिए है ये, मुझे आप एक वापसी बता दूंगी। चीज़? ये अला अपना एन लैम्डा ओवर 4 किसके लिए थी इक्वेशन, इस सिनेरियो के लिए, ये ऊपर वाला आपने कौन सा,
अच्छा सिनारियो जनरल बेस्ड आप बता रहे हैं, ठीक है जनरल जनरल इक्वेशन है इस सिनेरियो के लिए, सही है। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा ओके सिनेरियो ओके होगा कि जिसमें आपके पास एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है, सही है, तो उसमें आपने हमेशा ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, सही है। अब आपको बोल दो भाई फिफ्थ हार्मोनिक निकाल दो, तो फिफ्थ हार्मोनिक में एन की वैल्यू 7 होगी, सही है। तो इस तरह से करके आपने निकालना है, सही है। और फोर में, फोर में कितनी होगी? अगर आप फोर हार्मोनिक के लिए काम कर रहे हो तो आपके पास 7 होगी, अगर आप फिफ्थ हार्मोनिक के लिए काम कर रहे हो तो आपके पास जो है वो 9 होगी, सिक्स हार्मोनिक के लिए काम करो 11 होगी, सही है। सही, सो यहाँ पे एन जो आपके पास आना चाहिए वो आपके पास आ जाएगा, या आप कह लो कि हार्मोनिक आपके पास आएगा ऑड नंबर है, सो आप कह रहे हो 2n+1, सही है। तो जैसे अगर आप थर्ड हार्मोनिक के लिए काम कर रहे हो, सही है, सो आपके पास हो जाएगा नहीं 1 मिनट, अगर आपके पास जो है N5 है तो आपके पास बनना चाहिए 11, बल्कि नहीं, अजीब सी कोई चीज़ बनेगी, खैर। अच्छा तो ये हमारे पास जो ये एक जनरल इक्वेशन बन गई। अच्छा अब उसके बाद जो है आगे चलते हैं, हमारे पास जो है ये एक एक केस हो गया कि जिसके अंदर हमारे पास ओ एक एंड पे ओपन था और एक एंड पे क्लोज था, सही है। सही है। सो अगर मैं थर्ड हार्मोनिक के लिए काम कर रहा हूँ, सो मेरे पास आ जाएगा 2+1, सही। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 5, सही। सो इसका मतलब है कि एन की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 5, सही। सो दिस इज इक्वल टू एन, सही। खैर तो ये बेसिकली जो है ना आपके पास फॉर्मूला हो गया, सही है, कि अगर आपको जो है जिस भी हार्मोनिक के लिए काम कर रहे हो तो उस हार्मोनिक के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, आप वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, सही है। यानी इस फॉर्मूले से कैसे ओके सर, निकालोगे, आप जो है समझ आ गया। हार्मोनिक अगर आप ब्लड से अगर आप फिफ्थ हार्मोनिक के लिए काम कर रहे हो, सो 2 × 5 कर दो 1, सही है, और इक्वल्स टू एन, सही है। सो 2 × 5 = 10 + 1 = 11, मीन्स सही। सो अब यहाँ पे 11 की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी, आपके पास आंसर आ जाएगा, सही। आवाज बहुत अटक रही है। हेलो 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 हेलो, मैंने बोला कि अगर मान लो आपको फिफ्थ के लिए मैंने बता दिया, अगर आप कोई और से कर लो, मैं बोल रहा हूँ कि आप 16th हार्मोनिक के लिए काम कर लो, तो आप एन की वैल्यू कैसे चूज करोगे। तो 16th हार्मोनिक के लिए जो है वो आप ले लो कि भाई हार्मोनिक आपको पता है, हार्मोनिक जिसके लिए आप काम करो वो सर आपके पास है आपकी 16, अब सही है, अब सही है। हाँ सही है। आपने बोला 16 हार्मोनिक के लिए, 16th हार्मोनिक के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पास एन की क्या वैल्यू होगी, सही है, हाँ सही है। तो 16, अब आप इस फॉर्मूले में रखो 2 × हार्मोनिक जो भी नंबर ऑफ हार्मोनिक है, +1, सही है, +1, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन, सही है। सो 32, डिवाइडेड थर्टी बाय थ्री सही, तो ये आपके पास आ जाएगी 33, एन की वैल्यू 33 आ जाएगी, जब इसको इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्लियर, ओ अच्छा, समझ आ गया सही है समझ आ गया। कोई भी हार्मोनिक निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन ले ली, जी। कोई भी हार्मोनिक निकालना है तो उसके लिए एन को कैसे चूज करोगे, उसके लिए ये वाली इक्वेशन आप ले लो, सही है। तो उससे जो है ना आपके पास आराम से एन की वैल्यू आ जाएगी, सही है, क्योंकि आपको एन की वैल्यू डिसाइड करने में मुश्किल होगा, आप ऑड नंबर कब तक पढ़ते रहोगे, सही है, तो उसमें आपको मसला हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है एन की वैल्यू से ऐसे चूज कर लो, राइट। ओके। अच्छा जनाब चलो ये हमने बात कर ली। अच्छा उसके बाद जो है हम थोड़ा आगे चलते हैं, सही है। और वो हमारे पास है, ये हमने एक बात कर ली, एक ओपन एंड है और एक एंड क्लोज है, सही है। अब हम दोनों एंड ओपन ले लेते हैं, सही है, ये दो सिनेरियो हमारे सिलेबस में आते हैं, सही है। अब इन दो सिनेरियो की एप्लीकेशन डिफरेंट हो सकती है, मैं वो नहीं कह रहा, सही है। तो पहले ये दो सिनेरियो देखते हैं, उसके बाद जो है उनकी डिफरेंट एप्लीकेशन भी देख लेंगे, सही। जैसे कि मेरे पास जो है
एक गिलास का पाइप है, आप इस तरह से समझ लो, सही है, कि ये गिलास की रॉड है। आप ये मत बोलना कि, इस तरह से मत बोलना कि भाई ये आपने एक रॉड ऊपर एक रॉड नीचे कैसे रखी है। बेसिकली सर्कुलर सा जो है ना वो है, गिलास है, सही है, दोनों एंड से, और वो इस तरह से कनेक्टेड है, सही है। खैर, तो अब इसके अंदर क्या सीन है, इसके अंदर ये सीन है, दोनों एंड ओपन है, सही है। तो अगर दोनों एंड ओपन होते हैं, तो दोनों एंड ओपन होने का मतलब ये है कि आपके पास एंटीनोड एंटीनोड होंगे ना दोनों ओपन करने। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही है। सो एंटी नोड बनेंगे दोनों तरफ, सही है। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मिनिमम पॉसिबल एंटी नोड या मिनिमम पॉसिबल हार्मोनिक कितनी वेव से बनेगा, मिनिमम पॉसिबल हार्मोनिक, सही है। आपको ये सोचना है कि भाई यहाँ पे भी आपके पास एंटी नोड आना चाहिए और यहाँ पे भी आपके पास एंटी नोड आना चाहिए, सही है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे एंटी नोड बना, और ये इस तरीके से, सही है, सिमिलरली ये इस तरीके से, सही है। सो इस तरीके से आपके पास दो एंटी नोड आ गए और एक नोड आ गया, सही है। अब ये भी आपके जहन में सवाल नहीं होना चाहिए कि ये वेव बन कैसे रही है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे कोई स्पीकर वगैरह कुछ रखा हुआ है, तो जिससे जो है ना ये वेव हमारी जनरेट हो रही है, सही है, साउंड वेव ही कह लो अभी आसानी के लिए फिलहाल, सही है। तो खैर, तो हमने जो है ना फिलहाल ये बात कर ली कि भाई हमारे पास जो है नोड्स और एंटी नोड, अगर मेरे पास ये दूसरा वाला सिनेरियो, तो इसके अंदर किस तरह से बनेंगे, सही है। अब अगर मैं इसको जो है वो करता हूँ, क्या बोलते हैं, अपना इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, तो इसकी इक्वेशन मेरे पास किस तरह से बनेगी, लेट्स कंसिडर दिस लेंथ एज एल, सही, एल, और आपको दिख रहा है कि इस लेंथ एल के अंदर जो है आपके पास जो वेव लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, आधी वेव लेंथ आ रही है, सही है। बिल्कुल अच्छा, अब जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए काम करोगे, सो आप कर लोगे भाई टू टू एल इज इक्वल टू लैम्डा की जगह पे आप क्या रख लोगे, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सही है। फ्रीक्वेंसी को अगर आप सब्जेक्ट में ला लो, सही, आपके पास हो जाएगा 1 V/2L, सही है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो दैट वी हैव, सही है। अब आ जाओ सेकेंड सिनेरियो की बात करते हैं, सही, कॉपी और पेस्ट, सही है। सो अब सेकंड सिनेरियो, दिस इज द फंडामेंटल हार्मोनिक और फर्स्ट हार्मोनिक, सही है। अब अगर मैं सेकंड सिनेरियो की बात करूं, तो सेकंड सिनेरियो का मेरे पास सीन कुछ इस तरह से होगा कि भाई मेरे पास इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव बनेंगी, इस तरह से कि मेरे पास जो है ओपन एंड पे जो है वो एंटी नोड्स आने चाहिए और क्लोज एंड पे नोड्स आने चाहिए, सही है। सो वो इस तरीके से मेरे पास बन रही है, सही हो गया। जी पहले मेरे पास सिर्फ यहाँ तक की कहानी थी, अब मैंने आधी वेव और ऐड कर दी, सही। तो यानी ये एक वेव पूरी हुई, एक वेव नहीं, ये जी एक वेव पूरी हो गई, पूरी एक वेव है, पूरी एक वेव है, पिछले सिनेरियो में आधी वेव थी, अभी पूरी एक वेव है, सही। सो हमने बोला कि भाई एल इज इक्वल टू लैम्डा, सही, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या तो फिर आप ऐसे भी लिख दो आसानी के लिए, सही, ताकि हमें एक पैटर्न, एक एक ट्रेंड हमें दिख जाए कि क्या ट्रेंड है, इवन नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर के चेंज आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, सही। अच्छा, अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के लिए लिखें, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिख पाएंगे एफ इज इक्वल टू 2V/2L, सही, सिंपल मैथ्स है, सिर्फ जो है लैम्डा की जगह आपने वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी लिखनी है, सही है। ये आपके पास आ गई दूसरा सिनेरियो। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप तीसरे सिनेरियो की बात करो, तो तीसरे सिनेरियो के अंदर आपके पास क्या होगा, तीसरे सिनेरियो के अंदर आपके पास ये होगा कि अगर मेरे पास सेम जो है वो है, सही है, तो तीसरे सिनेरियो के अंदर इस तरीके से वेव बनेगी, सही होगा। यहां तक पहला जी सिनेरियो था, यहां तक दूसरा सिनेरियो था, अब ये तीसरा आ गया, सही है। और इसके अंदर जो सीरीज ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स आ रहे हैं, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, सही है, यहाँ पे फिर एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे फिर एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, और यहाँ पे एंटी नोड है, सही। और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड बना, यहाँ पे एंटी नोड बना, और यहाँ पे नोड बना, सही है। अच्छा, इसके लिए अगर आप काम करोगे, तो आपको कितनी वेव दिखनी है इसके अंदर, आपको जो है वो एक कंप्लीट वेव और डेढ़ वेव दिख रही है, सही है। डेढ़ वेव बोले तो 1/3/2 वेव, सही है। सो एल कंटेन 3/2 वेवलेंथ, सही है। और अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूं, सो एफ इज इक्वल टू 3V/2L,
2L, सही है। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को देख के एक जनरल सिनेरियो बनाऊं, तो मेरे पास जो है सिर्फ वो 1, 2, 3 इस तरह से चेंज हो रहा है, सही। यहाँ पे अगर आपने इसको 1 लिया हुआ, इसको 1 कंसिडर किया हुआ, सही है। सो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो इस तरह से अगर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है जब मैं इसकी जनरल इक्वेशन बनाऊंगा, जनरल इक्वेशन, सही जी सर, है। सो इसकी जनरल इक्वेशन मेरे पास किस तरह से बनेगी, मेरे पास इसकी जनरल इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि अगर मैं लैम्डा के लिए बना रहा हूँ, सो एल इज इक्वल्स टू एम लैम्डा ओवर टू, सही है। और यहाँ पे मेरे पास एम क्या है, मेरे पास जो है वो इवन नंबर है, सही। अच्छा, और सिमिलरली अगर मेरे पास जो है फ्रीक्वेंसी के लिए मैं बनाऊँ, सो एफ इज इक्वल्स टू एम वी ओवर 2L, सिमिलरली यहाँ पे भी जो है वो है, क्या बोलते हैं, इवन नंबर है, एम, सही है। सो ये दोनों के लिए ट्रू है। अच्छा जनाब, ये हमने बात कर ली, सही है, कि फ्रीक्वेंसी की भी बात कर ली और वेवलेंथ की भी बात कर ली, सही। ये दो सिनेरियो हमारे पास जो है इस तरह के आते हैं। अब जी इसी के बेसिस पे जो है ना, आपने डिफरेंट सिनेरियोज देखे हैं, सही है। सो बजाय इसके कि मैं उन डिफरेंट सिनेरियोज पे टाइम जाया करूँ, मैं डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना प्रिंट करते रहता हूँ, तो उससे भी जो है हमें डिफरेंट सिनेरियोज का आइडिया भी हो जाएगा, सही। अच्छा जनाब, सो जी 1 मिनट देना बस। ओके, सो ये मुझे एक क्वेश्चन मिल गया। चलो पहले एक काम करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया उसी से करते हैं, कॉपी और पेस्ट, सही है। सो मुझे तो क्वेश्चन दिख रहा है, अभी तक प्रिंट तो नहीं हुआ। अबे हो गया, ये रहो, आ गया तो ये जरा रीड करोगे प्लीज। जी। अ पाइप क्लोज एट वन एंड अ पाइप क्लोज एट वन एंड हैज अलाउड स्पीकर एट द ओपन एंड। अ स्टेशनरी साउंड वेव इज फॉर्मड इन द एयर विद द पाइप विद एन एंटीडोट एंड टेनोर एट द ओपन एंड ऑफ द पाइप। The length of the pipe is 0.85 meters. Speed of sound in air is 340. Which frequency of sound the loudest speaker will not produce a stationary wave? अच्छा जी, अब देखो सबसे पहले ऊपर से कनेक्ट करते हैं जो भी हमने पढ़ा, सही है। ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो जो है वो ये वाला सिनेरियो का है, सही है, कि जिसके अंदर ओपन एंड एक जगह पे और क्लोज एंड दूसरी जगह पे, सही हो गया, एक चीज हो गई। उसके बाद जो है ये बोल रहे हैं कि वो वाला आपको बताना है, यानी वो वाला सिनेरियो बताना है कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही है, राइट। यानी वो वाला हार्मोनिक बताना है कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही है, राइट, ऐसे ही। जी बिल्कुल। तो अब एक तो सबसे आसान अप्रोच ये है कि अगर आप बिल्कुल प्रो हो गए हो, तो आप इस तरह से बता सकते हो कि आपको इस सिनेरियो के अंदर दिख रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वो ऑड हार्मोनिक्स के अंदर चेंज होगी, सही है, इवन के अंदर चेंज नहीं हो सकती, राइट, समझ रहे हैं बात को, जी। सही है। तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे 1 है इवन ऑड है, सही है, 3 है ऑड है, 5 है ऑड है, सही है। इसका मतलब है ये तीनों आंसर तो करेक्ट हैं, ये तीनों फ्रीक्वेंसी तो इसके अंदर जनरेट होंगी, 2 जो है वो इवन है, वो जनरेट नहीं होगा, तो आपने ये आंसर कर दिया, सही है। एक तो ये प्रो अप्रोच थी आपकी, सही है। लेकिन हाँ हम अभी चूंकि ताजे ताजे पढ़ के आए हैं, तो इसी हम इसका एक्सपेरिमेंट भी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, सही है। सो हम चूंकि इसे फ्रीक्वेंसी बोली हुई है, सो फ्रीक्वेंसी के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, सही है, एन वी ओवर 4 L, सही है, क्योंकि 4L इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्लोज एंड है, दूसरा एंड क्लोज है और पहला एंड ओपन है, सही है। ओके ओके अच्छा, अब हमें पता है कि जब जब एन एन जो है वो इवन हो, जब जब एन जो है वो ऑड होगा, तब तब तो फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी है, सही है, तो उसका तो कोई मसला ही नहीं है। तो हम जरा एन को जो है वो इवन रख के देखते हैं कि कौन सा ऑर्डर जनरेट होता है, सही है, वो हमारा आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा, लेकिन वो जो है स्टेशनरी वेव नहीं होगी, राइट, हाँ
सो आपने जो है ना जो आपको स्पीड दी हुई है 340 दी हुई है, सही है। अच्छा वन जो है वो ऑड है, उसकी वजह से जो है ना वो जो भी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्टेशनरी पे बन जाएगी। टू इवन है तो टू को पहले रख लेते हैं, सही है। और फोर और एल हमारे पास है 0.85। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकता मैं। मेरा कैलकुलेटर वो उसकी लो बैटरी हो गई थी, आज ही ख़त्म हुआ है। अच्छा चलो नहीं रुके मैं बल्कि मैं मोबाइल रख फ़ोन के लेता हूँ। कैलकुलेटर पे कोशिश करता हूँ। सर बताएं कौन सा, अच्छा है क्या वैसे, 2 × 340 इज 680, 4 × 0.85 बनता है 3.4, तो 680 डिवाइड बाय 3.4 करते हैं तो 200 आ रहे हैं। जी हाँ सही है। सही सो है ये भाई। आपके पास आ गया दोस्त। हमने हमने जो है वो एक अलग अप्रोच से भी किया था, उससे भी सही आ रहे हैं, इससे भी सही आ रहे हैं, सही। हाँ अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, के अब ये हाँ ओके चैप्टर जो है ना बेसिकली आपका कंप्लीट हो चुका है स्टेशनरी वेव में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सही। ठीक होगी, लेकिन इसको जो है समझ में आना चाहिए, चैप्टर सबसे बड़ा समझना बहुत जरूरी मसला है, वही ये। ना फंसा वही देता है। अच्छा जी चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, कॉपी और पेस्ट। सही है। अब इसके अंदर जो है उन्होंने साउंड वगैरह लगाया हुआ है, रेजोनेंस हो रही है, सही है। स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गई विद टू नोड्स एंड टू एंटी नोड्स, सही है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, सही है। अब आपको पता है कि भाई क्लोज एंड वन एंड क्लोज एट वन एंड ओपन एंड द अदर एंड, तो अगर इसने फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपने जनरल फॉर्म लिख दी एन वी ओवर 4 L, सही है। और आपको पता है कि यहाँ पे एन जो है वो ऑड होने वाला है, सही है। अच्छा जनाब जी फिर उसके बाद जो है इन्होंने आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, और अच्छा इन्होंने आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, सही है। सो आपने क्या कर लिया, 4 × 60 सेंटीमीटर है तो 0.6 मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया आपने। वेलोसिटी आपको दी हुई है 340, 340, सही है। और आपको जो है बेसिकली फर्स्ट हार्मोनिक यहाँ पे होगा, सेकेंड हार्मोनिक यहाँ पे होगा। सेकेंड हार्मोनिक के लिए आपको वैल्यू कौन सी रखनी है, आपको पता है सेकेंड हार्मोनिक है, सो 2 × 2 + 1, सही है। कितना आना चाहिए, सही बता रहा हूँ सर, है? 1 मिनट, बल्कि क्यों गलत क्यों आ रहे हैं हमें, हमारे पास यहाँ पे जो है ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, सेकंड हार्मोनिक है ना, तो सेकंड हमारे पास बनता है 3 पे, तो 3 आना चाहिए यहाँ पे। कितना आया, बता रहा हूँ। मेरे पास जो है ना 425 स्क्रीन आ रहे, स्क्रीन काली हो गई है, सही है। 425 ही होगा। सही है। अच्छा आ गई आ गई। एक एक चीज मसला, एक चीज में मसला है, उसको प्लीज सही कर लो। जो मैंने यहाँ पे जो ये फॉर्मूला बताया कि यहाँ पे +1 नहीं होगा, यहाँ पे -1 होगा, सही है। कौन सा वाला? ये -1 होगा, वो जो ऑर्डर और हार्मोनिक का फॉर्मूला था वो जो है आपके पास वो होना चाहिए, सही है। अगर आप सेकेंड नेगेटिव ऑर्डर क्यों? भी देखो ना, अगर आप सेकेंड हार्मोनिक के लिए काम करो तो सेकेंड हार्मोनिक आपका 3 और थर्ड ऑर्डर पे, थर्ड उस पर बनेगा, एन की थर्ड वैल्यू पे बनेगा सेकेंड हार्मोनिक, सही है। सो टू अच्छा टू जो 4, -1 करोगे तो 3 आएगा, +1 करोगे तो 5 आ जाएगा, वो नहीं होगा, गलत हो जाएगा वो, सही है। तो ठीक ये होगी। हमारे पास ये गलती थी, ये मैंने करेक्ट कर दी, सही है। अच्छा जी चलो ये हमने कर लिया, सही समझ में आया। जी, समझ आ गया। अच्छा सर मैं यहीं तक क्लास रख सकता हूँ, मैंने निकलना है। चलो सही है, निकल जाओ। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ आप इसकी रिकॉर्डिंग भेजिएगा, मैं जैसे ही आऊँगा मैं 11-12 बजे तक इंशाल्लाह मैं ये पूरी देख लूँगा। सही है। ठीक है सर। ओके 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 सर। ओके हाफिज़। लाफिज लाफिज। अच्छा जी अच्छा खुलूद आपको समझ में आ रहा है क्या, ये ऊपर से जा रहा है? सर थोड़ा थोड़ा सा, बहुत बहुत कम आ रहा है, क्योंकि चलो खैर है थोड़ा। कल की भी मैंने नहीं देखी थी ना, मैं सोच सही रहा मेरे 2-3 लेक्चर। है चलो खैर है, मैं एक काम ही करता हूँ कि मैं जो है ना इसको 3-4 क्वेश्चन और करा के पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, सही है। रिकॉर्डिंग में फिर आपको वो मिल जाएगा, सही है। तो पिछले वाला लेक्चर भी देख लेना और फिर ये वाला भी मिला के देख लेना, सही है। जी सर। अच्छा
अच्छा जी, मेरे पास अब ये क्वेश्चन है। सही। अब इसके अंदर कहानी कुछ ये है कि आपके पास उन्होंने बोला भाई कि पहले इन्होंने बोल दिया, सही है। अच्छा, ट्यूनिंग फोक जो है वो हम फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही है। तो ट्यूनिंग फोक से आप फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हो, फिर जब वो फ्रीक्वेंसी किसी अपरेटस के अंदर जाती है तो उसकी वजह से साउंड जनरेट होता है, सही है। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि अलाउड साउंड इज हर्ड एट द इंटरवल एज द वाटर रन आउट ऑफ द ट्यूब, सही है। सो ये ब्यूटेड आपको दिया हुआ है, सही है। और नीचे से पानी पानी ये जो भी वाटर है, सही है, वो निकल रहा होगा। और आपके पास जो है अच्छा, तो आपके पास जो है पानी निकल रहा होगा, सही है। और इन्होंने बोला कि द चेंज इन द वाटर लेवल बिटवीन द लाउडर साउंड इज दिस मच, सही है। बिटवीन द लाउडर साउंड का मतलब है कि एक एंटी नोड बना होगा और फिर दूसरा एंटी नोड बना होगा इस तरीके से, उसके बीच का उन्होंने चेंज दे दिया, सही है। दैट इज 32 सेंटीमीटर, सही है। और आपको पता है दो लाउड साउंड, दो एंटी नोड्स के बीच का डिफरेंस जो है, ये दो एंटी नोड के बीच में आधी वेव आती है, सही है। तो पूरी वेव जो होगी वो आपके पास कितने की होगी, 64 सेंटीमीटर की होगी। फिर उससे आपसे आपसे बोलना है कि व्हाट इज द वेव। अच्छा, सो हमने ये बोल दिया कि भाई हमारे पास यहाँ पे 64 सेंटीमीटर की वेव लेंथ आ रही है, सही है। और उसने 64 वेव लेंथ ही पूछी हुई थी तो हमें डायरेक्ट पता चल गया, सही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो मुझे बोल रहे हैं कि एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू एन ऑसिलेटिंग बड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीज। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले ना एक क्वेश्चन करते हैं ताकि इस क्वेश्चन के जो ना सिनेरियो समझ में आ जाए। ओके, सो हियर इट इज, कॉपी एंड पेस्ट। सही है। सो ऊपर वाला जो सिनेरियो है वो बिल्कुल यही इसी सिनेरियो पे बेस्ड है, सही है। सो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद आगे ऊपर वाला देखेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि आई स्ट्रिंग इज फिक्स एट वन एंड एंड द अदर एंड इज अटैच टू अ वाइब्रेटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर स्लोली इंक्रीज फ्रॉम जीरो, सही है। अ सीरीज ऑफ स्टेशनरी वेव फॉर्म, अज्यूम दैट फॉर अ स्टेशनरी वेव देयर इज अ नोड एट पॉइंट पी, सही है। अब देखो उसने बोल दिया कि नोड है यहाँ पे, सही है। तो अब आपको खुद ही होशियारी नापने की जरूरत नहीं है, अब आपको नोड ही लेना पड़ेगा, सही है। और फिक्स एंड है तो फिक्स एंड उसने बताया हुआ कि यहाँ पे एंटी नोड है, तो सॉरी यहाँ पे भी नोड ही होगा, सही है। तो पहला हार्मोनिक जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, सही है। ये बिल्कुल वही वाला सिनेरियो है, सही है। ये बिल्कुल ये वाला सिनेरियो है, सही है, कि जिसके अंदर दोनों एंड जो है वो क्लोज थे, सही है। ये वो वाला सिनेरियो है, सॉरी ये वाला जो सिनेरियो था जो हमने पढ़ा है, ये वो वाला सिनेरियो कि जिसके अंदर दोनों एंड ओपन थे, सही है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे दोनों एंड क्लोज हैं, सही है। तो जब दोनों एंड एक जैसे होंगे, इधर दे आर क्लोज और इधर दे आर ओपन, फॉर्मूला सेम इस्तेमाल होगा। और जब एक एंड ओपन होगा एक एंड क्लोज होगा तो फॉर्मूला दूसरा वाला इस्तेमाल होगा, सही है। सो हमने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा, व्हाट आर द फर्स्ट 5 वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास एल इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला लिखा था एम लैम्डा ओवर टू, सही। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि हमने यही फॉर्मूला लिखा था, सही है। ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा था कि जब हमारे पास दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो सेम हो, इधर दे आर ओपन और इधर दे आर क्लोज, दोनों के लिए सेम अप्लाई वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, सही है। लेकिन उन्होंने बोला था कि व्हाट आर द फर्स्ट 5 वेवलेंथ, तो पहले वेवलेंथ को सब्जेक्ट बना लो, सो 2L ओवर लैम्डा, सॉरी ओवर एम इज इक्वल टू लैम्डा, सही है। सो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब एम की वैल्यू जो है हम चेंज कर सकते हैं, सही है। और हमें पता है कि एम की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चेंज होगी, सही है। यानी एम की वैल्यू हमारे पास काउंटिंग नंबर्स के अंदर चेंज होगी, सही है। तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि 2 हमारे पास सब में आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहला सही है, 2, 3, 4, 5, 6, इसने जो है ना पहला हार्मोनिक खाया हुआ है, सही है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी जीरो से जब स्टार्ट किए तो जीरो से स्टार्ट करने का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक भी आएगा, सही है।
ऑल्दो ये रिलेशन सही है, लेकिन इसके अंदर जो है वो फर्स्ट हार्मोनिक गायब है, गलत हो गया। 1 2 3 4, अब यहाँ पे जो इन्होंने 4 दे दिया है, 4 इज रिप्रेजेंटिंग दैट वन एंड इज क्लोज एंड द अदर एंड इज ओपन, सही है। एंड अगेन यहाँ पे भी 4 है, तो ये आपको शो कर रहा है वन एंड इज ओपन एंड द अदर एंड इज क्लोज, सही है। तो आपके पास ये से आंसर हो गया, सही है। अब ऊपर वाले को देखो तो शायद समझ में आ जाए, सही है। सेम सिनेरियो देखना, कई इलास्टिक स्ट्रिंग इज अटैच टू एन ऑसिलेटर, यहाँ पे उन्होंने वाइब्रेटर लगाया हुआ था, ऑसिलेटर सेम चीज है, एट वन एंड द अदर एंड इज क्लैम्प्ड एट द अदर एंड, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको फिक्स एंड से बनाया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने क्लैम्प्ड कर दिया, सही है, मतलब फिक्स कर दिया, सही है। सो दैट द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल एंड इन द टेंशन, सही है, बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो। अब वो आपसे बोल रहा है कि द ऑसिलेटर इज मेड टू ऑसिलेट वर्टिकली, सही है, कि जैसे ये ऑसिलेशन इसकी हो रही है उस तरह से, सही है। द फ्रीक्वेंसी इज देन इंक्रीज फर्दर, अच्छा सॉरी कुछ भूल गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 अनटिल अ स्टेशनरी वेव इज सेट अप, सही है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे नीचे पहले में कहानी हुई थी, सही है। द फ्रीक्वेंसी इज देन इंक्रीज फर्दर टू फ्रीक्वेंसी एफ, सही है, व्हेन अ सेकंड स्टेशनरी वेव इज सेट अप इन द स्ट्रिंग, सही है। तो फ्रीक्वेंसी एफ पे जो है सेकंड स्टेशनरी वेव हमारे पास बन गई है, सही है। एट व्हिच फ्रीक्वेंसी डज द थर्ड स्टेशनरी वेव फॉर्म, सही है। अच्छा तो अब अगर आप सिनेरियो कंसीडर करो, तो आपको बोला हुआ कि जब भी इलास्टिक वो होगी, जब भी स्ट्रिंग होगी, तो स्ट्रिंग में हमेशा जो है ना स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी उसके अंदर स्टेशनरी वेव बनेगी तो बोथ एंड उसके क्लोज होंगे, सही है। चाहे आपको उसने डायग्राम दी हो, बताया हुआ हो, नहीं बताया हुआ हो, लेकिन जब भी स्ट्रिंग होगी, सही है, स्ट्रिंग को जब भी आप ऑसिलेट करोगे तो वो इस तरह से ऑसिलेट होगी, यहाँ पे नोड बनेंगे, सही है, एंड पॉइंट्स हमेशा नोड बनेंगे स्ट्रिंग में, और मिडिल पे जो है वो एंटी नोड बनेगा, सही, ये चीज याद रखना। अच्छा अब उसी चीज को याद रखते हुए अब आप देखो सेकंड ऑर्डर के लिए, अच्छा जब आपको पता है कि भाई दोनों एंड फिक्स हैं स्ट्रिंग के, सही है, और वेव इस तरह से कुछ बन रही है, सही है, सेकंड हार्मोनिक के लिए बनाओगे, सेकंड हार्मोनिक के लिए का मतलब है कि वेव इस तरह से बनेगी, सही है, ये वेव बननी चाहिए सेकंड हार्मोनिक के लिए, सही है, यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, उधर सेकंड हार्मोनिक हो गया, सही है। अच्छा तो सेकंड हार्मोनिक के लिए जब वेव बनेगी, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए जो फॉर्मूला हमने कहा था कि भाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना है, तो एफ इज इक्वल्स टू सेकेंड हार्मोनिक के लिए पहले मैं लिखता हूँ, तो टू, अच्छा अब देखो सिनेरियो जो हमारे पास है, सिनेरियो से भी पहले रिलेट कर लो कि ये वाला सिनेरियो लगेगा क्योंकि सेम एंड जो है वो सेम एंड पॉइंट्स हैं, सही है, दोनों पॉइंट जो है वो सेम है, सही है। तो दोनों एंड सेम का मतलब है कि आपके पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा विद एम बींग द इवन नंबर, तो इवन नंबर नहीं काउंटिंग नंबर, ये इवन नंबर नहीं होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए, काउंटिंग नंबर, सही है, 1 2 3 4, सही है, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये ऑड के चक्कर में इवन लिख दिया था, लेकिन खैर ये काउंटिंग नंबर होने चाहिए, सही है। अच्छा तो अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व किस तरह से करोगे कि आपके पास जो है सेकेंड हार्मोनिक के लिए एन टू हो जाएगा, सही है, और फिर आपके पास वी, सही है, और फिर आपके पास जो है टू, और आपके पास एल, सही हो गया, तो ये आपके पास सेकंड हार्मोनिक के लिए हो गया। जब आप थर्ड हार्मोनिक के लिए लिखोगे, सो एफ इज इक्वल टू एफ डैश, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता, तो ये एफ डैश इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक के लिए इतना ही होगा, वी ओवर टू एल, सही है। तो अगर आप इसको रिलेट करना चाहो, तो हमने इस तरह के सिनेरियो पढ़े हुए भी हैं ऊपर, कि सेकंड हार्मोनिक के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बन रही थी, थर्ड हार्मोनिक के लिए ये बन रही थी, सही है। और अगर आप एन की वैल्यू देखो, सो 1 2 3 एंड सो ऑन, वो नहीं है, ऑड नहीं है या इवन भी नहीं है, ये काउंटिंग वैल्यूज है, सही है, मैंने इसको देखा था लेकिन मैंने गलत लिख दिया था, सही है। तो इसको प्लीज वो नहीं करना, गलत मत लिख लेना, अगर गलत लिख दिया तो प्लीज सही कर लेना, सही है। तो खैर हमारे पास जो है ये दो इक्वेशन बन गई, सही है। तो अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो है ना हम वी ओवर एल को सब्जेक्ट बना के दोनों में से एक दूसरे के इक्वेट कर देते हैं, सही है। सो 2f/2 इज इक्वल टू वी ओवर एल, सही है, पहली इक्वेशन यहाँ से आ गई। फिर उसके बाद एफ डैश 2/3 इज इक्वल टू वी ओवर एल, दूसरी इक्वेशन आ गई, सही है। अब वी ओवर एल जो है वो दोनों के अंदर सेम है, क्योंकि स्पीड ऑफ द साउंड और जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो दोनों सेम, आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो दोनों चीजों को इक्वेट कर दो, सो यू विल गेट 2f/2 इज इक्वल टू 2f/2f/3, सही है। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 वहां चला जाएगा, सही है, तो 3/2f इज इक्वल टू एफ डैश, सही। सो 2 1 2, 2 1 2 पॉइंट लगा के 5 लगा दो, तो
1.5 आ जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, सही है। तो तकरीबन जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि जो है वो और अच्छा वो हो जाए। अच्छा जी, ओके। कॉपी और पेस्ट। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो दोनों सिनेरियो इन्होंने दिए हैं, सही है। अगर आप इसके अंदर गौर करो तो पहला वाला जो केस है उसके अंदर जो है वो ओपन एंड, दोनों एंड जो है वो ओपन है, और दूसरा वाला जो है वो दोनों एंड क्लोज है, सही है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करो तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए। एफ इज इक्वल टू एन वी, सॉरी हमने यहाँ पे लिखा था एम, सही है। सो एम वी ओवर 2L, सही है, बिल्कुल वही वाला रिलेशन था जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, सही है। एम वी ओवर 2L क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिलेट कर रहा है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, और एम हमारे पास जो है वो काउंटिंग नंबर है, सही है। इवन नंबर मत लिखना प्लीज, वो मैंने गलत लिख दिया था, उसको सही कर लेना, सही है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सही है, एंड सो ऑन। अच्छा ये हो गया। अच्छा उसके बाद जो है ये हमारे पास हो गई, सही। दो अब ऊपर वाले के लिए ये अप्लाई होगा, नीचे वाले के लिए अगर आप देखो तो आपके पास एक एंड से ओपन है दूसरे एंड से क्लोज है, तो इसका मतलब है एन वी ओवर 4L लगेगा क्योंकि आपके पास क्वार्टर ऑफ द वेव के इंक्रीमेंट से आपके पास वेव जनरेट हो रही थी, और यहाँ पे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, सही है। अब जरा इसमें अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सही है। ओके, एक की लेंथ एल है और एक की लेंथ 2L है, सही है। बोथ एंड ओपन है, वेव इज सेट अप, ट्यूनिंग फॉर्क से वेव एफ सेट अप कर दी, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एक्स की सेट। ओके, द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहा है, द स्टेशन वेव कैन बी फॉर्म इन दिस ट्यूब, सही है। तो इसमें इन्होंने बोल दिया लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बन रही है। अच्छा सेकंड वाली कहानी पढ़ लेते हैं कि अनदर ट्यूब ऑफ द लेंथ 2L इज क्लोज एट वन एंड, सही है। स्टेशनरी वेव इज सेट अप दिस ट्यूब व्हेन अ ट्यूनिंग फॉक्स इज वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी एफ वाई इज हेल्ड एट द ओपन एंड, ओके, सही है। दिस इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक बन रहा है, सही है। दोनों केसेस के अंदर एन की वैल्यू और एम की वैल्यू 1 1 होगी, सही है। अच्छा जी चलो अब जरा लिख लेते हैं। अगर हम पहली वाली कहानी को देखें तो पहली वाली कहानी के हिसाब से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम हमारे पास है 1 क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक ही बन रहा है, सही है। और वी हमारे पास वी ही रहेगा क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड दोनों के अंदर सेम है, सही है। और 2L हमारे पास लेंथ हमारे पास इन्होंने एल के फॉर्म में दी हुई है, सही है। दूसरी वाली केस के अंदर अगर आप देखो तो दूसरे वाले केस के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि आपके पास जो है एफ जो है वो आपके पास N1 हो जाएगा, सही है, और V आपके पास V रहेगा 4, और L आपके पास हो जाएगा 2L, सही है, क्योंकि L जो है वो इन टर्म ऑफ 2L दिया हुआ, सही। तो और ये एफ वाई है, सही है। और आपसे बोल रहे हैं कि एफ एक्स को एफ वाई की टर्म में जो है ना आपने वो करना है, सही है। सो दोनों इक्वेशन से जो है ना V ओवर L को सब्जेक्ट में आ लेते हैं, 2 4 8, सो 8 f(y) इज इक्वल टू V ओवर L, सही है। और वहां से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 2 f(x) इज इक्वल टू वी ओवर एल, सही है। दोनों को इक्वेट कर दो, तो जब आप दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास बनेगा 8 f(y) इज इक्वल टू 2 f(x), सही है। तो आप कैंसिल कर दो तो आपके पास बन जाएगा 4 f(y) इज इक्वल टू f(x), सही है। तो ये आपके पास जो है एक इक्वेशन आ गई इसकी, सही है, जो कि ये वाला आंसर होगी, समझ रहे आप लोग। तो खैर तो अब यहीं तक फिलहाल क्लास रखते हैं, सही है। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में देखेंगे।